तो अरहर के पेड़ के नीचे का नीचे से कैसे दिख रहा है आप लोग देखिए, कहीं जंगल में आ गए ऐसे। तो देखो फल्ली को उखाड़ रहे हैं और लोग बैठ के तोड़ रहे हैं। मैं यार पूरा गीला हो गया हूँ जैसे कि। हे गाइस, नमस्कार, जय जोहार। तो एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है यार। और अभी आप लोग देख सकते हैं जैसे लोकेशन मैं अपने गाँव आ गया हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ मूंगफली उखाड़ने के लिए खेत। तो कितना मेहनत के बाद मूंगफली उखाड़ के तैयार होता है, फिर उसको मार्केट में लेके बेचा जाता है, तो दिखाने वाला हूँ। मैं सोचा कल से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मैं सोचा कितना मेहनत रहता है इसमें आप लोग को दिखाऊँ ऐसा करके, इसीलिए आज से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरा दिन है आज। तो पीछे देख सकते हैं पूरा खेत में धान वान लगा है चारों तरफ। इधर का धान हरा ही है और इधर का धान ऑलमोस्ट पक गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे वाला धान। और हरा हरा जो दिख रहा होगा ज़्यादा, वो अरहर का पेड़ है। और अभी सुबह का 7 बजे है और मैं निकल गया हूँ खेत के लिए, और मेरा भाई आ गया है छोटा वाला, वो खेत पहुँच गया है। तो आप लोग को दिखाने वाला हूँ क्या क्या हो रहा है उसको। अभी से इतना धूप कर रहा है यार, तो सोचो हम लोग को अब दोपहर तक रहना है पूरा धूप में, तो क्या हाल होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना यार। आप लोग सब्सक्राइब करोगे मेरे को मोटिवेट मिलेगा अच्छे से, और कमेंट भी कर देना जो भी अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा उस पार्ट को भी बता सकते हो आप लोग, उसके बाद मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा धीरे धीरे। तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा नर्वस फील होता है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ। सुबह की 7 बजी है देख सकते हो। तो इस वाले खेत पे पूरा सोयाबीन है और ये पूरा पक गया है, अभी ये बस कटने को बाकी है। इसको भी अब खेत वाले उसको काटेंगे, क्योंकि सबका काम इधर उधर कहीं कहीं सब बिजी रहते हैं, इसीलिए काम वाम नहीं हो पाता है। तो ये मेरा खेत वाला रास्ता, इसमें भी सोयाबीन लगा है इस साइड, और इधर मूंगफली लगा था, उसको सबको हो गया है। इतना बड़ा बड़ा झाड़ वाड़ लगा पेड़ देख सकते हो खेत में। तो गाइस आप लोग को कुछ बताने वाला हूँ, जिस टाइम हम लोग बच्चे थे तो उस टाइम पे इधर ये वाले खेत तरफ कोई नहीं आता था, इतना झूंझ झाड़ था कि कोई भी आ नहीं सकते थे अकेले, कोई भी व्यक्ति, इतना झूंझ और झाड़ वाड़ था एकदम जैसे कि। और ये इधर एक खदान बनाया गया है, रोड जब बन रहा था हम लोग के ये वाला रोड, तो यहीं से मिट्टी वगैरह लेके जाते थे, तो ये हो गया है। तो यहाँ का पानी को खेत में सिंचाई के लिए लेके जा रहे हैं। धान वाला है पूरा ये, इसमें भी पूरा धान लगा है। तो ऐसा नज़ारा आप लोग को गांव में ही बस देखने को मिलेगा। देखिए पूरा चिड़िया का घोंसला बना हुआ है, उधर भी है बहुत सारा, उस साइड भी है। आप लोग को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया बैठे हुए भी हैं। तो इतना पीसफुल वातावरण सिर्फ आपको गांव में ही देखने को मिल सकता है, और गांव में आके मज़ा आता है। और अभी नवरात्रि चल रहा है, तो सोचो उधर के लोग, शहर वाले लोग नवरात्रि मना रहे हैं घूम घूम के, और गाँव वाले मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, और उसको मार्केट में लेके जब जाते हैं अपने सामान को, तो कोई भाव नहीं रहता तो उसको। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाले खेत में पानी चल रही है अभी, जो यहाँ से पानी आ रहा है, ये भी वाला जो खदान है बोल रहा हूँ वो, और यहाँ का पानी ये वाले खेत में आ रहा है, भैया लोग का खेत है। और इधर भी पूरा धान वान है देख सकते हो आप लोग, कैसा नज़ारा दिख रहा है कमेंट करके बताइए आप लोग। और मेरे को जाना है वो वाला खेत में, बड़ा सा पेड़ दिख रहा होगा वहाँ, और सामने वाले खेत में भी दूसरे गांव वाले हैं भैया लोगों, फल्ली वल्ली वही मूँगफली उसमें भी वो कर रहे हैं। इधर से लोकेशन आप लोग देखिए, और इधर देखिए चिड़िया बैठी हुई है, और इधर उनका घोंसला, पूरा ऐसी घोंसला है चारों तरफ। तो आप लोग को खेत लेके चलता हूँ।
तो गाइस मेरे को बहुत सारा कमेंट आता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालते करके, तो जो कॉपीराइट वाला म्यूजिक नहीं होता उसमें भी कभी कभी अगर डाल दोगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसीलिए मैं म्यूजिक नहीं डालता। और किसी की म्यूजिक ऐड करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट आएगा, स्ट्राइक आएगा, तो फिर चैनल डेथ हो जाएगा उसका, ऐसे ही। इसीलिए मैं म्यूजिक का ज़्यादा उपयोग नहीं करता, लेकिन हो सके तो देखता हूँ, अगर करने का प्रयास करूँगा इस बार भी अगर हो जाएगा तो। तो देखो फल्ली को खाड़ रहे हैं और लोग बैठ के तोड़ रहे हैं। तो गाइस यही वाले लोकेशन, ये वाले जो पार वाला है ना, ये वाला एरिया, उसी का मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, जो देख सकते हो अरहर कितना बड़ा बड़ा हो गया है मेरे हाइट का, ज़मीन दिख ही नहीं रहे। तो देखिए आप, और इधर थे सनराइज का लोकेशन, देखिए कैसा दिख रहा है। देखो कितना बड़ा, मेरे से भी बड़ा यार। और अलग से सीध बोलते हैं, ओला डैम गिरता है इधर हम लोग के यहाँ, सीध बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे गिरा हुआ है पानी का, तो उससे अलग से भींग गया हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। आप लोग देख सकते हो पूरा पैर गीला हो गया है, क्योंकि पानी ओला टाइप गिरा हुआ है इधर, मॉर्निंग टाइम में गिरता है पानी डेली। और इस वाले खेत में यार कुछ नहीं है, सोयाबीन है बस, सोयाबीन से ज़्यादा कांदी कचड़ा हो गया है। तो गाइस फाइनली मैं खेत पहुंच गया हूं, तो आप लोग देख सकते हैं पीछे ये दिख रहा होगा आप लोग को, तो इसको कल यहाँ से लेके वहाँ तक इसके खुदाई किए हैं। और उसके बाद मैं सोच रहा था वीडियो नहीं बनाऊंगा करके, लेकिन मैं सोचा कि आप लोग को वीडियो दिखाया जाए कितना मेहनत करने के बाद कुछ ही चीज़ सामने आता है, फल जो मिलता है वो। तो मैं सोचा आज प्रॉपर वीडियो बनाया जाए और आप लोग को दिखाया जाए कि कैसे कैसे मेहनत करते हैं, कैसे कैसे करने के बाद जो मार्केट तक आप लोग के तक पहुँचती है, तो कितने मेहनतों के बाद कुछ भी चीज़ पहुँचती है, तो आप लोग उसका रिस्पेक्ट किया कीजिए किसानों का, खासकर किसानों और जवानों का जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रही हैं उनका। तो अभी ये इधर को हम लोग को खुदाई करना पड़ेगा, और इसमें पानी सूख गया है कल ही, इसमें इधर वाले में कुछ पानी डला हुआ है, उस साइड वाले में पानी वानी नहीं डला है, तो उधर पानी डालने के लिए अभी पाइप लाने गए हैं, मेरा भाई आ रहा है पाइप लेके, और उसके बाद इसको खुदाई करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, सामने आप लोग को दिखाया हूँ खेत में, पहले इसको उखाड़ना पड़ता है। तो पहले क्या करेंगे, इसको उखाड़ के रखते जाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से गाइस इसको पहले उखाड़ेंगे, जैसे ये सबको उखाड़ के एक जगह रखे थे, तो जितना भी दिख रहा होगा उखाड़ने के बाद सबको एक जगह रखते हैं, उसके बाद फिर उसको प्रॉपर बैठ के तोड़ा जाता है। तो ऐसे ही रहता है पूरा, अभी पूरा खेत बाकी है पूरा इधर का पूरा, ऐसे देख सकते हैं। तो अब मैं आ गया तो इसको उखाड़ता हूँ, मम्मी लोग कहते तक उखाड़ने के बाद फिर वो लोग आ जाएंगे, तो फिर अच्छा से उखड़ गया रहेगा तो फिर तोड़ेंगे। और अभी पानी के लिए मेरा भाई इसमें लमा रहा है पानी वानी, मतलब पाइप लगा रहे हैं, तो पानी मारेंगे उसके बाद, और गीला हो जाएगा तो अच्छे से बनेगा, तो उसको भी दिखाऊंगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो अरहर के पेड़ के नीचे का नीचे से कैसा दिख रहा है आप लोग देखिए, कहीं जंगल में आ गए ऐसे, पूरा पेड़ ही पेड़ का डाल ही डाल। और इसमें मैं चल रहा हूँ ऐसा, ये अंदर ही अंदर। तो गाइस मैं अभी नोजल लेने आया हुआ था और अभी नोजल लेके जा रहा हूँ खेत में लगाने के लिए। तो देख सकते हो पकड़ा हुआ इसको और जा रहा हूँ खेत तरफ लेके इसको। बहुत मेहनत है यार, बहुत मेहनत है किसानी में, तब जाके मिलता है कुछ भी चीज़। पाइप लगा हुआ है तो यहाँ नोजल और उधर लगा रहा है नोजल पर। चलो उधर लेके चलता हूँ। देखे पूरा जमीन सूख गया है, क्रेक आया हुआ है इसमें। अब पानी डालेंगे तभी ये उखड़ेगा, नहीं तो फिर टूट जाएगा। दे यहाँ का कोई उखाड़ के ले गए हैं, दिख रहा है ऐसे। तो ये फेमस घास है हमारे यहाँ का, आप लोग के उधर क्या क्या बोलते हैं इस घास का नाम बताइएगा। पूरा नोजल लग गया है गाइस इसमें लाइन से, और एक और लेके जा रहा हूँ, लास्ट में लगाना है इसको। नोजल तो लगा दिया लेकिन अभी लाइट नहीं है, लाइट गोल हो गया बोल रहे हैं, और लाइट आएगा तो अब स्टार्ट करेंगे पानी। और अगर पलेगा नहीं आज, ऐसे सिंचाई नहीं होगा तब तक खुदाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि टूटेगा, खुदाई हो ही नहीं रहे, पर ज़मीन में धंसा रहेगा और उसका डाल बस आएगा हाथ में। तो अभी खुदाई नहीं करेंगे, पानी पल्लो करने के बाद ही करेंगे। तो यार फंस रहा है ये पेड़, बहुत पहले से है, बहुत पहले से, कितना पहले छोटा था अब इतना बड़ा हो गया है। इसको लगाना है मेरे को यहाँ, और जिसमें दोनों किस्में लगाऊंगा, और इधर से पूरा कचड़ा हो गया है पूरे खेत में। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा फल्ली उखाड़ दिए इधर को, ये उखाड़ उखाड़ के रखे हैं। तो इधर दीदी लोग तोड़ रहे हैं, तो अभी तोड़ना है वैसे सबको, थोड़ा और आगे थोड़ा बचा है इधर। ये बस थोड़ा और बचे हैं यहाँ तक, तो इसके बाद सबको तोड़ेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। और धूप बहुत तेज़ हो गया है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट चेहरे में आ रहा है। तो फाइनली लाइट आ गए हैं, अभी नोजल स्टार्ट हो गया है। और मैं पूरा पूरा गीला हो गया हूँ, और मैं पूरा पूरा गीला हो गया हूँ जैसे कि देख सकते हो, पूरा भींग गया हूँ बारिश में, बारिश नहीं यार, नोजल के पानी में। और लगा रहा था बीच बीच में खुल जा रहा था, तो पूरा गीला हो गया हूँ मैं। और छतरी वतरी लगा के मस्त व्यवस्था, छाया में मस्त तोड़ रहे हैं, और फिर देखो पानी चल रहा है बढ़िया मस्त। मैं यार पूरा गीला हो गया हूँ, जैसे कि पूरा गीला हो गया हूँ क्योंकि पानी लगा रहा था ज़्यादा, क्योंकि जहाँ खुल जा रहा था उसको, तो पूरा लगाते लगाते गीला हो गया हूँ। ठीक लग रहा है, धूप बहुत है, आप लोग देख सकते हो बहुत धूप है।
मस्त इधर हो रहा है तोड़ाई। अरे यहाँ बैठ कर तोड़ूंगा मस्त मैं, यहाँ बैठ के तोड़ रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी 2:30 बजा है दोपहर का, और अब हम लोग निकलने वाले हैं। शर्ट भींगा था उसको सुखा दिया हूँ ऊपर, ये सूख रहा है वो। और एक बोरी बस यहाँ, एक टूटा है एक बोरी और आधा बोरी वहाँ पास। तो धूप बहुत तेज़ हो गया है, लाइट भी गोल हो गया है, तो उधर बंद हो गया है पानी भी। पानी पल्लो कर रहे थे वो, सिंचाई हो रहा था वो उधर, वो भी बंद है। तो धूप बहुत तेज़ है, शक्ल का हालत कैसा हो गया देख सकते हैं आप लोग। तो अगर ये पसंद आया होगा ब्लॉग तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय। तो गाइस मैं इसको लेकर जा रहा हूँ रोड तक, रोड से फिर साइकिल में लेकर जाना है। तो यार ये वजन है फुल।